अपेक्षा ने मुझे बुलाया उसके लिए उनको थैंक यू. मैं जिस परसों अपेक्षा ने मुझे फ़ोन किया था कि आपको आगे बोलना है और मैं तब से सोच रही थी मुझे क्या बोलना है. एक्चुअली भाषा मैम जो है उन्होंने पॉलिटिकली किस तरह से हम औरतों को मजबूत कर सकते हैं सब चीज़ों पर बात की. लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं एज ए वुमेन अपने आप को देखती हूँ और मैं महसूस करती हूँ कि हमें कहाँ पे चेंजेस करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो उसकी शुरुआत सबसे पहले मैं एक सेंग से करूँगी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तुम्हें से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी औरतों के साथ बैठती है. और किसी कौम को अगर देखना है कि वो अच्छी है तो उनकी औरतों को देखना, अगर कोई कौम बुरी है तब उनकी औरतों की हालत देखना. तो ये दोनों चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें क्या फैक्ट है एक्चुअली, कि पीछे क्या रीज़न है कि औरतों को देखना. बेसिकली सोसाइटी में जब हम निकलते हैं तब आप लोग भी महसूस करते होंगे कि कहीं भी किसी को गुस्सा आया तो माँ याद आ जाती है, बहन याद आ जाती है, बेटी याद आ जाती है. वो अपना गुस्सा अपनी माँ बहन और बेटी की शक्ल में निकालता है. ये नहीं सोचता है कि वो दूसरे की माँ और बहन बेटी को नहीं बोल रहा है, बेसिकली वो अपने ही घर की औरतों को बोल रहा है. क्योंकि सामने वाला सुनकर नहीं बैठेगा, वो पलट कर उससे बड़ा जवाब देगा कि अच्छा तुमने मेरी माँ को बोला, मैं तुम्हारी माँ को उससे ज़्यादा बोल सकता हूँ. तो सोसाइटी एक्चुअली ये है, हम बहुत बोलते हैं औरतों को पढ़ाना चाहिए, औरतों को ऊपर उठाना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए, उनकी आज़ादी की बात करनी चाहिए, उनको पहनने ओढ़ने की फ्रीडम होनी चाहिए. सबके अपने एस्पेक्ट्स हैं. फ्रीडम की जब बात करते हैं तो जैसे कपड़ों के ऊपर अक्सर बात होती है कि अगर ये फ्रीडम है कि कोई छोटे कपड़े पहन सकता है तो ये भी फ्रीडम होना चाहिए कि कोई अपने आप को कवर कर सकता है. अगर मैं अपने आप को कवर करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैकवर्ड हूँ या मुझे मेरे घर वालों ने बांध के रखा हुआ है. मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं अपनी पसंद से अपने शौक से पहन रही हूँ, मुझे ये पसंद है तो मुझे इस पर फख्र है. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जो नहीं पहन रहा है वो गलत है, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो अपने उसको देख रहा है. लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में हमारी हालत के जिम्मेदार, जैसे शमीम भाई ने कहा कि औरतें हैं, और इसमें हकीकत है क्योंकि सोसाइटी को बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले हम पे आती है. हम माँ भी होते हैं, हम बहन भी होते हैं, हम बेटी भी होते हैं, बीवी भी होते हैं, और एक आदमी को इन चारों रिश्तों की ज़रूरत होती है. वो दुनिया में आता है, बगैर माँ के वो दुनिया में नहीं आ सकता. तो आदमी को वहाँ सबसे पहले दुनिया में आने के लिए एक औरत चाहिए. बड़ा होता है तो उसको सपोर्टिंग सिस्टम के लिए गर्लफ्रेंड वाइफ चाहिए, और बड़ा होता है उसकी बेटी और बहन होती हैं, सब होता है. तो उसको हर लाइफ में हर पोर्शन पे एक सपोर्ट के लिए एक लेडी की ज़रूरत है. और अगर आप देखें तो कायनात का तसव्वुर मेरे बगैर यानी औरत के बगैर है ही नहीं. अगर मुझे माइनस कर दोगे तो दुनिया ही नहीं बचेगी, ठीक है. तो हमारी जो मेंटेलिटी है, हमारी जो सोच है, उसमें डिफरेंस आना बहुत ज़रूरी है, फ़र्क आना बहुत ज़रूरी है. शमीम भाई बताए थे कि गांव में अगर आप किसी औरत की हेल्प कर दें तो वहाँ पे औरतें ही सबसे पहले गुस्सा करना शुरू करती हैं, और ये हकीकत है. औरत ही पाल रही है एक लड़के को, और वो लड़का बड़ा होकर उसी औरत के ऊपर डोमिनेट करता है, उसी औरत को हुकुम चलाता है. तो यानी मैंने गलती की अपने बच्चे को पाल लेने, मैंने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हें भेड़िया नहीं बनना है. मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी कि तुम रात हो जाए तो घर से मत निकलो क्योंकि बाहर भेड़िया हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाती कि तुम बाहर निकलोगे तो भेड़िया मत बनना, सपोर्ट करो दूसरों को. हम जैसे मेरा अपना एक है सोच कि हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि एजुकेशन इसमें भी होनी चाहिए कि हम अपने भाई को, अपने शौहर को या अपने बेटे को कैसे बनाएं जो बाहर खड़े हैं, जो बाहर जब कोई लड़की बाहर निकलती है तो उसको ऐसी नज़रों से घूरते हैं कि उसको सालिम निकल लें. तो क्यों मैं अपने बच्चों को ऐसे बनाऊं? तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है. अगर उनके अंदर मैं ये बचपन से ही चीज़ डालूंगी कि आपको रिस्पेक्ट करनी है तो करनी है, उनको फ्रीडम देनी है तो देनी है, उनकी सोच को समझना है तो समझना है, तो कैसे एक सोसाइटी, एक समाज खराब हो सकता है? ये मेरे हाथ में, क्योंकि पहली गोद मेरी है. बच्चा आँख खोलता है, कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट,
तो बच्चा आँख खोलता है वो सबसे पहले मुझे देखता है, बाप की गोद में नहीं होता। और आदमी को ये बर्दाश्त दी ही नहीं, कोई आदमी माँ नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो बर्दाश्त नहीं है। और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुनिया में कोई नहीं, कोई है ही नहीं, आदमी हो ही नहीं सकते, ये ऊपर वाला भी जानता था। इसीलिए औरत को दुनिया चलाने का काम किया। और इसी वजह से आप देखिए कि औरतों में ज़्यादा बर्दाश्त होती है। अगर मूवमेंट्स की बात करें, राधिका वेमुला, परवीन अहंगार, सोनी सूरी, फातिमा नफीस, इनकी जो बर्दाश्त है किसी आदमी में नहीं। आपको शायद पता नहीं हो, नजीब जब से गायब हुआ तो अम्मी मेरे साथ रहती थी, दिन में वो सबको एक बहुत मजबूत औरत देती है, लड़ती हैं, पुलिस वालों को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को मैंने उन्हें मारते हुए भी देखा है, हर जगह वो लड़ती हैं, हर जगह अपनी बात कहती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। लेकिन मैंने उन्हें रात में अंधेरे में उनके कमरे से रोने की ससकने की आवाज़ भी सुनी। मेरे घर जब वो रहती थी तो मैं फील करती थी कि उनको नींद क्यों नहीं आ रही, नींद इसलिए नहीं आ रही है कि उनका जिगर का टुकड़ा गायब है। लेकिन इतनी मजबूती सिर्फ एक औरत में। तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर भी बनती है कि हम दूसरों से लड़ने से पहले हम अपने आप को चेक करें कि हम अपने घर से कैसे आदमी बाहर निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात अगर करें तो मैं उनकी माँ को क्वेश्चन करूँगी कि उन्होंने अपने बच्चे को कैसे परवरिश किया कि जिसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं है। बाबू बजरंगी की मैं माँ से क्वेश्चन करूंगी कि उसने औरतों की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया, क्यों वो ऐसे खुलेआम बोलता है कि औरतों का मैंने रेप किया और उनका पेट चाक करके उनके बच्चों को बाहर फेंक दिया। तो वहाँ उसके पीछे भी एक औरत है, उसकी माँ ने गिरफान पकड़ के क्यों नहीं उसको मार के फेंका जेल में कि बेटा तूने हिम्मत कैसे की किसी औरत के साथ ये करने की। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का जो माहौल है हमारे यहाँ वो ये है कि औरतें चुप हैं और औरतों ने अपने आप पर सोच लिया हम कमज़ोर हैं। कमज़ोर नहीं है, हम जब नस्लें बनाने वाले हैं और हम ही हैं जो चेंज ला सकते हैं। एक पौधा जब दुनिया में मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक माली पौधा लगाता है तो उसके चारों तरफ वो डंडियाँ लगा के उसको सीधा करने की कोशिश करता है और जहाँ एक हाथ बाहर निकलता है उसको काट देता है कि नहीं ये पौधे को मुझे सीधा करना है। यही काम औरत करती है। अगर वो छोड़ दे तो वो जंगल और सड़ा हुआ पेड़ बन जाएगा और उसको अगर कटिंग करके देगा तो वो शेप आ रहा है, खूबसूरत पेड़ बनने लग रहा है। तो औरतों का जो सोसाइटी में मुकाम है अगर कम है तो उसके भी हम जिम्मेदार हैं और अगर ऊंचा है तो भी हम जिम्मेदार हैं और ये हमारे हाथ में है, हम चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ी हूँ और मैं अपने बचपन को भी याद कर रही थी, जब से अपेक्षा ने बोला तब से मैं रिकॉल कर रही थी। मैंने अपेक्षा से पूछा भी था मुझे क्या बोल रहा है अपेक्षा, तो अपेक्षा ने कहा आपका जो आपने फील किया अपनी लाइफ में जो महसूस किया आप वो बताइएगा। तो मैं कल परसों से सोच रही थी कि क्या बोलूँ, मैंने हस्बैंड से भी बात की तो चलो नेट सर्च करते हैं उस पर देखते हैं। तो शायद ने कहा कि तुम इतने काबिल लोगों के सामने जा रही हो, फैक्ट और वो सब तुम्हें सबको पता होगा, तुम अगर वो डाटा पेश करोगे वो सब इतने काबिल हैं वो सब जानते हैं, उनके सामने ये सब क्या बातें करूँगी। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो जो मेरे दिल में है मैं वो बात करूँगी। तो मैं अपेक्षा अपना बचपन सोच रही थी, हम पांच बहन या दो भाई, मेरे पापा ने कभी मेरे पैरों को उतरने की कोशिश नहीं की, मुझे आज़ादी दी छोड़ा उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये पहनूँ। 13-14 ईयर्स की थी तब से मैंने ये पहनना शुरू किया था, मेरे घर में कोई नहीं पहनता था अबाया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और मेरी मदर ने टोका भी, कह रहे इतनी छोटी हो क्यों पहन के घूम रही हो, क्यों बूढ़ी बन रही हो, मां बन रही हो, लेकिन आई लाइक इट तो मैंने पहना। मेरे फादर ने कहा नहीं तुम्हें पसंद है तुम करो, उन्होंने मुझे फ्रीडम दी हर तरह की और कहाँ पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या करना है वो सब मुझे आज़ादी थी। तो मेरा एक अलग मिजाज रहा। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हस्बैंड ऐसे मिले जो कहीं सामने नहीं है लेकिन हर जगह मेरे साथ है, पीछे किसी चीज़ पर कभी नहीं रोका। नॉर्मली मुस्लिम्स में एक सबका एक नरेटिव होता है कि बाहर निकलोगी ऐसे प्रोटेस्ट करोगी, सड़कों पे भी हम रहे पूरी पूरी रात भी रहे सीबीआई के बाहर। तो ये बहुत अजीब बात है कि एक औरत एक लड़की अपने बच्चों को छोड़ के और सड़क पर बैठी हुई है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं पूछा। उन्होंने रात में 1 बजे मैंने फ़ोन किया,
प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं अभी नहीं आ सकती. कोई बात नहीं, देखो तुम्हें जो सही लगता है करो. मेरे बच्चे हैं घर पे, आपको सुबह ऑफिस है, मैं देख लूँगा क्या करना है, तुम रहो. तो ये फ्रीडम क्यों मिली? इनकी माँ ने इनको ये चीज़ सिखाई. रिस्पेक्ट दो, बीवी को स्पेस दो, इनकी फैमिली से है ये. अगर इन्होंने अपने फादर को या अपनी फैमिली में ये चीज़ देखी होती तो ये आज मेरे साथ ऐसे नहीं खड़े होते, उन्होंने गलत देखा होता. या मेरे फादर ने अगर मुझे नहीं इस तरह से परवरिश किया होता तो आज मेरे घर में जो लेडीज आई हैं उनको फ्रीडम नहीं होती. तो सोसाइटी जो बनती है, सोसाइटी की इकाई जो है, वो दो लोग जब शादी करते हैं और उसके बाद जो उनकी फैमिली बनती है वहाँ से शुरू होती है. और सोसाइटी में ही हमारे यहाँ बुराई है. हमारे यहाँ जो सोच है वो ही मेन डोमिनेटिंग है. वो ये सोचते हैं, अच्छा जैसे कपड़े सुखाने की बात है, शमीम भाई ने कही कि मैं कपड़े डालने गया तो दूसरी औरतें बोल रही हैं, अच्छा ये वाला काम कर रहे हो, जो रुके गुलाम हो. ये जो सोच है ये हमें चेंज करनी पड़ेगी और उसको बिल्कुल बेस पे जाना पड़ेगा. शहरों में हर तरह की फैमिलीज हैं, लेकिन नॉर्मली शहरों में क्योंकि पढ़ाई है तो इसलिए ऐसा माहौल है. लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ जो रूलिंग लोग कर रहे हैं, जो भी कुछ है, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, कहाँ से वो उठ के आते हैं, उनका जहनीत क्या है. अगर पॉलिटिकली आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको सोशली भी चेंजेस चाहिए और उसके लिए आपको बहुत ग्राउंड लेवल पे जाना होगा, गाँवों में. वहाँ पे जो सोच है, औरत निकल ही नहीं सकती, शौहर का नाम ही नहीं ले सकती. किसी का मैंने वाक्य सुना था कि टेलर के पास कोई लेडी गई और वो कहा कि ये काम करना है, उनका आपको शौहर का नाम क्या, तो कहने वो नहीं बता सकते, वो लेना होना है. तो भैया अब क्या नाम है? तो उसने फिर कपड़ा उठा के दिखाया कि ये हरा रंग था, तो हरा रंग हरा हरी हरी फिर हरी से कुछ निकल के नाम उनका आया. तो वो नाम तक लेना, जहाँ पे ये सोसाइटी है, ये कल्चर है इस तरह का कि इस तरह से आप औरतों को बता दिया गया है कि वो कोई भी चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकते, अपने हिसाब से फैसला नहीं ले सकते. खाना खाएंगी तो भाई शौहर पहले खाने वाले हैं, क्यों, मुझे भूख लगेगी मैं तब खाऊंगी ना. मैं शौहर के हिसाब से मेरी भूख थोड़ी है, मेरे जिस्म के हिसाब से मेरी भूख है, मैं क्यों शौहर का वेट करूँ. और ये है हमारी सोसाइटी में. हम शहरों में रहते हैं इसलिए हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम गाँव में जाएंगे तो आज भी यही चीज़ है, अरे फलां के अबू नहीं आए, हम कैसे खाना खा लें. तो हमें इसको बदलना होगा. खाना आपके जिस्म की ज़रूरत है, आपको जब भूख लग गई तब खाइए. ये क्या ज़रूरी है कि अगर मेरा शौहर सुबह निकल रहा है तो मुझे उसको सुबह उठ के नाश्ता देना ही देना है. मैं रात में जा रही हूँ, बच्चा मेरा नहीं सोया, मैं सोऊंगी. तो ये सब आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से. और हम जहाँ पे हम बदल सकते हैं, जिधर हम बदल सकते हैं वहाँ पे हमें बदलना पड़ेगा. हमें बताना पड़ेगा कि जो तुम माँ की गाली देते हो दूसरे को, माँ कितनी तुम उसी माँ के जिस्म से निकल कर आए हो, तुमने उसी को गाली बना दिया. जहाँ से तुम निकल कर आए हो तुमने उसी को गाली बना दिया. ये हमें बताना पड़ेगा कि क्या अहमियत है सोसाइटी में. औरत का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि वो आपके लिए जरूरत का एक सामान है. सोसाइटी में यही एक चरण है. जो रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग मैं बता रही थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो परवीन अहंगार से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी, उन्होंने बताया कि 10th के बाद उनका बच्चा गायब हो गया था और आज तक तो नहीं मिला. वो बेचारी 15-16 हज़ार लड़कों को तलाश कर रही है, उसके पास से एक सबके लिए आइटम बन गई है. उनसे बहुत हिम्मत मिली. सोनी सूरी मुझे मिली थी एक बार यहीं पर जेएनयू में, उन्होंने अपना स्ट्रगल बताया. तो एक दूसरे को देख कर बहुत सपोर्ट मिलती है. लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ मैं फिर वहीं पर आती हूँ कि सोसाइटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. पॉलिटिकली अगर चेंज करना चाहते हैं तो सोसाइटी में जो बेस है, जहाँ से हम जनरेशन निकाल रहे हैं, जहाँ से लोग नेता बन कर आ रहे हैं, जहाँ से लोग हुकूमत करने वाले बन कर आ रहे हैं, उनके घरों के माहौल को चेंज करना बहुत.